चलते हैं बाने में, उधर बाने की तैयारी भी हो गई है, पहले तो जाकर खाना खाएंगे। क्योंकि दीदी कॉल करके बहुत ज्यादा डांट रहे थे कि तुम लोगों ने कल भी खाना नहीं खाया था, आज भी नहीं खाया, पहले आके खाना खाओ उसके बाद बाने में जाना। कर खाना खाते हैं फिर नाचेंगे मस्त। ये भी आ गए हैं बेटू, शिवम, खुशी, हम सब साथ में जाएंगे। क्या हंस रही, काहे हंस रही है भाई? कई तो बात है, बार बार देख के हंस रही है। ये सखियां ने सजना है, मैं भी सबर ना है। हम लोग आ चुके हैं और दीदी तो अभी तक रेडी ही नहीं हुए और शिवी भी नहीं हुई। इसको तैयार करना जरा। दीदी और लल्ला का मेकअप चल रहा है और बाकी सब क्रेजी और मानसी दीदी ये सब बाहर बैठे हैं। हेलो। हाँ बस दीदी आ ही रहे। घोड़ा आ गया? क्रेजी बोले घोड़ा भी आ गया, डीजे भी आ गया, बस तुम लोगों ने अभी तक आए हैं। तो दीदी चले जल्दी। हमने भी ड्रेस चेंज कर ली है, मेकअप तो हुआ ही नहीं, उनका मेकअप तो बचा ही है, पर ड्रेस चेंज की है। कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा ना, कुछ मैनेज ही नहीं हो पा रहा। मॉर्निंग का भी नहीं हो पाया था, अभी भी नहीं हो पा रहा। बाने का टाइम 8 बजे का है और अभी मामा रेडी ही नहीं है। परेशान करके रख दिया है सर। आज दिन चढ़िया तेरे नाम दावी, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई। इधर घोड़ा आ गया है मामा के लिए। लोग जा रहे हैं अब खाना खाने, पता नहीं खाना हो भी पाएगा कि नहीं क्योंकि डीजे वगैरह सब आ गया है। तो आ गए हम लोग खाना खाने। ये देखो खाना चल रहा है। मामा रेडी हो चुके Thank you.
साढ़े बारह बज गए हैं अभी। बहुत नाचे बहुत, और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पाँव पाँव रखने की जगह नहीं थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। घोड़े का नहीं उतरेगा भाई, आज ही आज हाथ में आया वो। सुनो सुनो भाई, पर ले आओ पहले, सुनो सुनो, अरे किसको हाथ में धरूं कि राम को एक तुम ले कि मतलब हम तो किसको लेके जा, पर बहन का हाथ पर तुमको ले लूंगा तुम्हारी मर्जी। गिर गई दवा फिर तो नहीं नहीं, 2100 मतलब 2100, बाकी बहन का हाथ से लूं उतनी मरूं, हम तो 1 रुपया भी नहीं रखा होगा मुझे, बाकी 2100 आकाश ना हमारा दे दिया आकाश भाई थोड़ा सो तो हम लोग आ चुके हैं घर, और इधर देखो पब्लिक पूरी बैठ गई है हमारी। ये फिर एक बार और खाना खाएंगे दीदी के साथ, क्योंकि दीदी ने अभी तक खाना नहीं खाया है। 12:30 बज गए, सुबह से नहीं खाया, सुबह भी नहीं उन्होंने खाना खाया था। तो इधर एक बार फिर से खाना खा रहे हैं हम लोग, एक बार खा लिया। हमारा खाना हो चुका है और अभी हम लोग यहीं पर बैठे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं। शादी नहीं होती ना उसके पहले आदमी सबको इम्पोर्टेंट देता है, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट दूंगा, जब 1-2 साल बच्चा आ जाएगा बोर हो गए। नहीं, मामा को देखो, मामा कैसे सुन रहे हैं ना, सोच रहे क्या पता क्या होगा मेरा भी। मेरी नौकरी, मेरा एंजॉयमेंट, मैं, मेरे कपड़े, मेरे जूते, ऐसा ही आ गया। बात बता रहा हूँ, उस टाइम मैं ऐसा ही आ रहा था लेकिन गलत निकल गया। मैं बोल ऐसा ही रहा था, पर इतने सब लोगों सामने से कैसे बोल, इसीलिए बच्चा बीच में लाया। मैं उसी लेवल तक उसको उत्तर नहीं दे पाऊंगा, होता है, बता रहा हूँ। लेकिन औरत हमेशा आदमी को पहले भी उतना इम्पोर्टेंस देती है, थी और रहेगी। अरे जंग खत्म करो, पुरुष और महिला कट करो। दूसरी बात, पैर पहले भी दबाती थी ना, अभी भी दबाती ना, औरत के आप दबाती। नहीं, मैं की बात बताओ, दबाती वो तो तुम इसलिए दबाते हो कि लक्ष्मी आए। हाँ, तुम मतलब भांडे फोड़ दो, तो तुम इसलिए दबाते हो, भांडे फोड़ दो मेरे। औरत के एक्सपेक्टेशन क्या रहती मालूम, एक्सपेक्टेशन भाई क्या होता है, तुमने फेरे लेते टाइम बोला था, पहले फेरे में ये बोलते हैं कि मेरी इनकम का आधा हिस्सा मैं मेरी पत्नी को दूंगा, पर तुमने उनको गलती से ऐसा बोल दिया कि मैं इसको पूरा दूंगा, तब तुमको पूरा देना पड़ता है। इतनी दूर था तुम, इतनी दूर थे तब, ऐसा तो बहुत देर से अपन नाच रहे गए। वो आगे लेके आ रहा था, नहीं बार आगे ले रहा था, वो कहे तुम्हारा जाने दूसरा ने कौन आगे लेके जा रहा था, बार बार वो हाथ करके मतलब आगे लेके जा नाच रहे थे, और मैंने उसको रोका, मैंने कहा कि मैं तो माँ मैंने कर दूंगा, मैंने कहा आज के बाद, मैंने कहा अब मैं आगे लगाना घोड़े को मैंने रोका, और मैंने घोड़े वाले को बोला, मैंने कहा अम्मत आगे लेके जाना, तो वो तुम्हारा लड़ाई करने लगा कि तू बोले कि तू तेरा नाच, मैंने कहा देख, मैंने कहा होशियार मत बन। फिर वो एक भैया कौन थे काले शर्ट वाले, वो आ गए तेरे नाचने, ये भी और दीदी भी आते थे।
ये गुस्से में आ गए थे। हर्षित 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 आ गया था, तू आ गए तुमको नाचने के लिए ले गए, तू ये भी आते दीदी देख मैं बोला तो दीदी नहीं गिर भी तो रहे थे नालियन के पाँव में आ रही थी। सब वीडियो में कैप्चर कर रही हूँ ताकि मेरे भैया को सुबह बता पाऊँ कि क्या क्या हो रहा था तुम्हारे साथ, वो कुछ पता नहीं है तो भैया साथ में गलत नहीं होने दे सकती, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि सामने वाले कुछ कह सके। सुबह गए थे घोड़े के पास, बोला कि टाइम देखो अब क्या हो रहा है। हाँ पर इनके वक्त यही गए थे, घोड़ा थोड़ी क्या घोड़ा पास में आया तो हाथी रख दिया कि ये पीछे गए तो ऐसा गिरते गिरते हाथ रखा गया। हाँ यार तुम यहाँ क्या झूठ साबित कर रहे हो, इतनी सारी आंखें थी देखने वाली। अब भैया कहीं नहीं सफाई देना, वो नाली पास गिरे तो वो ओटले पैसा रख दिया, तो ओटला था मम्मा की मुंडी तो भाभी आदत में आ गया, उनके हाथ कम हिलते गर्दन ही हिलती है तो वो ऐसा कर रहे थे पर अपने नहीं हिल पाए। नॉर्मल इंसानों का क्या होता है, नाचता है ना तो पांव और हाथ हिलते हैं, पर वो कुछ अलग है, गर्दन हिलती है। तो अभी बज गए हैं रात के 3 और सब लोग सो गए हैं, मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया था इसलिए मैं जगी थी। तो मैं भी सोती हूँ, ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री महाकाल।